Good evening, guys. Once again here. So, guys, this is Aparna once again. So, hereby, आज आज आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि है crispy fried prawns, वो prawns की रेसिपी है. लेकिन, guys, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देखने से पहले आप जो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना है और आपको बेल बटन प्रेस करना है नोटिफिकेशन के लिए. तो आप जैसे देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास मीडियम साइज प्रॉन्स अभी मौजूद है. अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं मैरिनेट करने वाली हूँ. जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं शेजवान चटनी डाल रही हूँ, इसको देखिए मैं मैरिनेट करने वाली हूँ. इसमें मैंने शेजवान चटनी डाल दिया है. ऑलरेडी इसमें का सॉल्ट वगैरह होता है, स्पाइसेस होते हैं. तो शेजवान चटनी देके अभी मैरिनेट करके मुझे इसको आधा घंटा रखना है. तो जैसे कि अभी आधा घंटा मैंने इसको मैरिनेट हो चुका है, ये अभी इसमें एक अंडा डालूंगी इसमें, और इसके अंदर जो है एक चम्मच मैदा डालने वाली हूँ. अब इसको मैं अच्छे से मैं जो है पूरा मिक्स करने वाली हूँ. अभी इसके अंदर जो है मैं इसमें मैगी का जो सीजनिंग है वो मिक्स कर रही हूँ. मैगी का जो चिकन का सीजनिंग आता है वो मैं मिक्स कर रही हूँ. ये जैसे कि देखिए हमने पूरा मिक्स कर दिया. अभी अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ. यहाँ से यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए दिया हुआ है, सबसे लो आंच में तेल गरम करने के लिए दिया है. अभी जैसे थोड़ा तेल गरम होगा तो एक एक करके जो प्रॉन का जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ इसको हम डालेंगे. जैसे पकौड़ा जिस हिसाब से बना जाता है उसी हिसाब से एक एक करके पीसेस इसमें हम डालने वाले हैं. ये देखिए जैसे कि धीरे धीरे गर्म होने आ रहा है. जैसे हमें पहले इसको तो एक पीस हमें यहाँ पे डाल के देखना है. जैसे धीरे धीरे फूट रहा है मतलब ये गर्म हो चुका है. मीडियम साइज प्रॉन है तो इसमें एक एक करके हमें इसे डालना है. देखिए एक एक करके अभी इसे हमने डाल दिया है. अब ये फ्राई होगा. जैसे देखो ये जैसे अभी इसको जैसे पलटा देना है. जब तक थोड़ा रेड ना हो जाए
इसे हमें फ्राई करना है। जब तक रेड ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। इन बिटवीन आपके जो पीसेस है ये डालते जाना है, बाकी के जो पीसेस मैं डाल रही हूँ। जैसे देखिए पक रहा है अभी ये, जैसे कि आप इसको जो बाइटिंग के हिसाब से आप इसको खा सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे कोई चाइनीज डिश वगैरह बना रहे हो, जैसे चाउमीन वगैरह है, तो उसमें आप बाइटिंग के हिसाब से भी खा सकते हैं। नॉर्मल अगर आप ऐसे बाइटिंग के हिसाब से खा सकते हैं तो आपको ये काफ़ी आपको ये पसंद आएगा। जैसे देखिए अभी आप देख पा रहे हैं इसे रेड हो गया है, तो अभी एक तो ये पक चुका है तो हमने इसको उठा देना है। उठा के इसको एक एक करके मैं टेबल पे रख रही हूँ। ये देखो अब ये पूरा रेड हो चुका है, देख पा रहे एक एक कर गया मैं इसे उठा। और इसके साथ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसे शेजवान सॉस वगैरह, शेजवान चटनी वगैरह है, नॉर्मल टोमेटो सॉस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अभी देखो अभी इसमें बाकी का एक एक करके सारे पीसेस में डाल रही हूँ। Thank you.
अगर आप इसको लार्ज साइज के प्रॉन्स के साथ बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। जैसे टाइगर जंबो प्रॉन्स आता है उसके साथ भी, पर टाइगर जैसे आप कभी भी प्रॉन्स अगर आप ये बना रहे हो क्रिस्पी प्रॉन्स, तो मेक श्योर उसका जो शेल आप रिमूव कर दीजिएगा। और इससे आप प्रॉन चिली तक भी आप बना सकते हैं, जो क्रिस्पी ब्रेड प्रॉन्स है प्रॉन चिली भी बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हैं। करना कुछ नहीं, खाली ग्रेवी आप बनाना जैसे नॉर्मली आप बनाते हैं चिली के वक्त, वही आपको बनाना है। जैसे मेरे पहले की वीडियोस में जहाँ पे चिकन चिली मैंने पनीर चिली का जैसे मैं आपको रेसिपी बताया है, तो वही आपको मसाला वैसे आपको ग्रेवी वही उस हिसाब से ही बनाना है। जैसे देखिए रेड हो चुका है, यानी ये पक चुका है। जब तक ये रेड नहीं हो जाता पूरा आपको प्रॉपर इसको पकाना है। इसमें इंग्रेडिएंट्स में जैसे मैं इसमें यूज़ किया हुआ है, पहले तो मैरिनेशन के लिए शेजवान चटनी से इसको मैरिनेट किया था, बाद में आधे घंटे मैरिनेट करने के बाद जो है इसमें हमने जो है एक अंडा यूज़ किया है और दो बड़े चम्मच मैदा यूज़ किया था, और एक चिकन सीजनिंग जो है आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से मिलता है आपको मैं बता देती हूँ। जैसे देखिए चिकन सीजनिंग ऐसा अवेलेबल हो, इसके अंदर ऐसा क्यूब मिलता है, तो मैंने इसके अंदर एक पूरा क्यूब यूज किया हुआ है अंदर इसमें। बाकी आपको इसमें एडिशनल को सॉल्ट वगैरह आपको इसमें यूज नहीं करना है। जैसे देखिए अब ये कुक हो चुका है, जैसे देख पा रहे पूरा रेड हो गया है ये, अभी हमें इसे बंद कर देना है। तो अभी देख पा रहे हैं अभी हमारा ये जो है क्रिस्पी प्रॉन्स बन चुका है। गाइस आप अपने रिव्यूज और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, और जो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है आपको रेड बटन प्रेस करना है, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन प्रेस करनी है। गाइस स्टे ट्यून्ड, हैव फन, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, थैंक यू।